अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड हॉल एट फरा। आज हम जो रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं वो है चिकन साते, या जो अक्सर रेस्टोरेंट मेनू में इंडो चाइनीज सेक्शन में साते चिकन के नाम से भी पॉपुलर है। तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, जिसे मैंने धो के इसका पानी पूरी तरीके से ड्रेन कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। यहाँ मैंने एप्पल साइडर विनेगर यूज़ किया है, आप चाहे तो वाइट विनेगर भी ले सकते हैं, जो कि एक चम्मच है। आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है, आधा चम्मच डार्क सोया सॉस, एक चम्मच शेजवान सॉस या शेजवान चटनी भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक चम्मच ही मैंने डाला है रेड चिली सॉस और आधा चम्मच मैंने डाला है टोमेटो केचप। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे और हमारे चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होता है, हम इसका सॉस बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक बाउल में 2 चम्मच शेजवान सॉस लिया है। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चम्मच टोमेटो केचप, 1 चम्मच मैंने डाला है डार्क सोया सॉस और इसके साथ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च। अब इसमें हम 3 टीस्पून पानी डाल के इसे एक स्लरी की तरह बना लेंगे। ध्यान रहे कि कॉर्नफ्लावर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, कोई लम्स ना रहे इसमें। अब आधे घंटे बाद हमारा ये चिकन बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 बड़ा चम्मच मैदा और 1 अंडा। इसमें आप चाहें तो सिर्फ एग वाइट यूज़ करें, एग योक आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब इन सबको चिकन के साथ अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा चिकन जो है कॉर्नफ्लावर और मैदे से कोट हो जाए। अब इन चिकन को हमने स्क्यूअर स्टिक्स में पिरोना है। यहाँ मैंने कुछ स्क्यूअर स्टिक्स 1 ग्लास पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे। अब इसमें हम एक एक चिकन का पीस लेके इस तरीके से पिरोएंगे। एक स्टिक में आप चाहें तो 3 से 4 पीसेस चिकन के यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे पिरोना है, और चाहे अगर आपको लगे तो ऊपर ये थोड़ा सा मैरिनेशन भी आप लगा कर कोट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने ये देखिए सारे चिकन पीसेस स्क्यूअर्स में डाल लिए हैं। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। एक फ्राई पैन में 5 से 6 बड़े चम्मच तेल ले लेंगे। तेल जैसे ही मध्यम गर्म हो जाए, इसमें हम हमारे चिकन स्क्यूअर स्टिक्स डाल देंगे। एक टाइम पर थोड़े ही स्टिक्स डालें, ज़्यादा अगर डालेंगे तो ये अच्छे से लाल नहीं होंगे और कच्चे रह जाएंगे। एक तरफ 3 से 4 मिनट के लिए इन्हें पकने दें और फिर एक फोक या चम्मच की मदद से इन्हें पलट दें। ये देखिए, हमारा चिकन बहुत ही बढ़िया गोल्डन होने लगा है। दूसरी तरफ भी 2 से 3 मिनट पकने के बाद हम इन्हें एक प्लेट में निकाल के साइड में रख लेंगे। इसी तरीके से हमने सारी चिकन स्टिक्स को फ्राई कर लेना है। जब हमारी चिकन स्टिक्स फ्राई हो जाए तो हम इसका सॉस बना लेंगे। जिस पैन में मैंने चिकन फ्राई किया था, उसमें से एक्सेस तेल मैंने निकाल दिया है। सिर्फ 1 टेबलस्पून तेल मैंने रहने दिया है। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन। इसे आधे मिनट तक हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। ध्यान रहे इसे जलाना नहीं है। अब इसमें हमने जो स्लरी तैयार की थी सारे सॉसेस की, वो हम डालेंगे और धीमी आंच पर चलाते हुए इसे 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। जब हमारी ये स्लरी थोड़ी गाढ़ी होने लगे तो हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच पानी और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब ये हमारा सॉस कोट करने के लिए तैयार हो गया है। तो यहाँ स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे ये हमारी फ्राइड चिकन स्टिक्स और इसे हल्के हाथों से सारी स्टिक्स को पलटते हुए इस सॉस से कोट कर लेना है। तो ये देखिए, हमारा साते चिकन लगभग तैयार हो गया है। बस इसे धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट तक आप इन सॉसेज में पकने दें और फिर गर्मा गर्म सर्व करें। इसे सर्व करने के लिए हम इस तरीके से एक प्लेट में निकाल कर सारे हमारे साते चिकन स्टिक्स रख देंगे और इस पर हम स्प्रिंग अनियन या हरी धनिया से गार्निश करेंगे। तो आप लोग भी हमारी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा आपको ये कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।